कल हम इस वाले इधर वाले गैरेज टाइप का छोटा सा रूम है, इसमें हमने काम किया था। इसमें जैसे देख रहे हैं, इसमें छज्जा बना हुआ है और इसका सीलिंग जो है सीलिंग प्लास्टर नहीं किए थे। आपका आवाज़ गूंज रहा होगा इसलिए कि रूम के अंदर है। इधर एक ये छज्जा इधर है और एक ये छोटा सा वेंटिलेटर है, इसका सीलिंग नहीं हुआ। इधर दो ठो बीम है ऊपर में, एक इधर बीम है, एक इस बगल वाले में बीम है। और ये जो है लगभग 6-7 का स्टोर रूम है। इसमें इधर नीचे जो है दो को स्लेब बनेगा 18-18 इंच चौड़ा, और एक ऊपर छज्जा है, फिर उसके ऊपर यहाँ भी बनेगा, एक दो इधर दो ठो नीचे और बनेगा। तो इसको हमको प्लास्टर करने में 2 दिन लग गया। 2 दिन में जिसमें कि एक ये इसके ऊपर ये छज्जा के ऊपर जो दीवार है, ये सामने वाले जो आपको दिखा रहे हैं, ये 1 दिन पहले हो गया था सिर्फ। और इसको ऊपर से नीचे चारों बगल करने में प्लास्टर 2 दिन का समय लगा, 2 लेबर और 1 मिस्त्री। सेलिंग नहीं किया, सेलिंग छोड़ के, सेलिंग में जो है पुट्टी कर दिया जाएगा। इसमें प्लाई वाला प्लेन है ऊपर, लेकिन इसमें जो काला काला दिख रहा है वो प्लाई का दाग है सिर्फ, और बाकी प्लेन है। तो वीडियो कैसा लगा और आपको जानकारी कैसी लगी? आपको अगर ठेकेदार हैं तो आप मिस्त्री को कई दिन में ठेका दे सकते हैं, कई दिन में करवा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप रोज़ पे करवाना चाहें तो आपको बता दिया, इसी हिसाब से भी आप ठेका दे के करवा सकते हैं अगर ठेका देना चाहें तो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को, अगर अपने दोस्तों में शेयर भी आप ज़रूर करें।